हेलो मेरे रसगुल्लो मेरे गुलाबो, आप सभी को आर के होटी स्पोर्ट स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महान विभूति महान व्यक्ति तेलंगा खड़िया जी के बारे में। तो चलिए मेरे भारत के सिरों, आप लोग एक नोट कॉपी और एक पेन लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग डालते हैं सीधा नज़र बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तेलंगा खड़िया का जीवन काल कि कब से प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था। तो किन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? तेलंगा खड़िया जी के बारे में। तेलंगा खड़िया जी के बारे में इनका जीवन काल स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ जिसे कहते हैं 1806 ईस्वी में, और समाप्त हुआ था 1880 ईस्वी में। इनका जीवन काल 74 वर्ष, जिसे 74 वर्ष भी कहते हैं, मात्र इतना था। तिन्होंने 74 ईयर्स 74 वर्ष में क्या क्या कार्य किए जिससे हमारे भारत देश और झारखंड राज्य के इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है। तो उनके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं पूरा डिटेल्स से। तो आप लोग एक पेन और एक नोट कॉपी ले लीजिए और नोट करते जाइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तेलंगा खड़िया जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो तेलंगा खड़िया जी का जन्म गुमला जिले के, कहाँ पे? गुमला जिले के सीसई, गुमला जिले के सीसई थाना के मुर्गू ग्राम, जिसे हम लोग गांव भी कहते हैं, ग्राम में 9 सितंबर 1806 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुमला जिले के सीसई थाना के, मुर्गू ग्राम में 9 सितंबर 1806 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम धुइया खड़िया था एवं उनका माता का नाम पेतो खड़िया था। और उनके पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। उनका जीवन काल 74 ईयर्स 74 वर्ष का था। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि उनके विवाह भी हो चुका होगा, विवाह भी वे कर लिए थे। तो उनका पत्नी का नाम था रत्नी खड़िया।
उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम जोगिया खड़िया था। जोगिया खड़िया, जोगिया खड़िया था। वे मतलब कौन? तेलंगा खड़िया। वे खड़िया जाति के कृषक थे। कृषक क्या थे? कृषक, कृषक। कृषक का मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे, जैसे कोई खेत खेत हो या जमीन हो। देखिए ये जमीन है, ये जमीन है, इसमें सबसे पहले हम लोग जुताई करते हैं, सबसे पहले हम लोग जुताई करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे बीज डालते हैं, इसमें उसके बाद हम लोग बीज डालते हैं, तब जाके अंतिम में इसमें फसल उगता है, तब जाके इसमें अंतिम में फसल उगता है। उसी प्रकार से तेलंगा खड़िया जी खड़िया जाति के कृषक थे। उन्होंने खड़िया जाति को बतलाया कि उन्हें अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जुताई की, मतलब ये बतलाया, उसके बाद उन्होंने हथियारों के बारे में बतलाया, उन्हें तैयार किया, उसके बाद अंतिम में अंग्रेजों के लिए विरुद्ध करने के लिए उन्हें तैयार कर दिया अंतिम में। उसी इसलिए उन्हें कृषक, खड़िया जाति के कृषक माना जाता है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट कॉपी पे उतार लें। जल हम लोग इसे मिटाते हैं, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग इसे सबसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। खड़िया अगला पॉइंट है हमारा। खड़िया भाषा में वीर एवं, खड़िया भाषा में वीर एवं कुशल वक्ता को, खड़िया भाषा में, क्या भाषा में? खड़िया इसका भाषा, भाषा में, खड़िया भाषा में वीर, वीर एवं कुशल, वीर एवं कुशल वक्ता को तिबलंगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तिबलंगा, तिबलंगा कहा जाता था। ये सब गुण को देखते हुए, ये सब गुण को देखते हुए उनका नाम तिबलंगा रखा गया था। ये तिबलंगा को ही देखते हुए उनका नाम तेलंगा रखा गया था। किनका नाम रखा गया था? तेलंगा। तो हमारे तेलंगा खड़िया जी का नाम तेलंगा रखा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। उन्होंने
खड़िया, खड़िया समाज को संगठित करना आरंभ कर दिया और 1849 से 50 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह आरंभ किया। क्या आरंभ किया? विद्रोह। तो किनके खिलाफ विद्रोह आरंभ किया? तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह आरंभ किया था, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों यानी जब ब्रिटिश शासनकाल हमारा भारत में था उस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह आरंभ किए। जब विद्रोह आरंभ किए तो उनके बीच विद्रोह से अंग्रेज सरकार सतर्क हो गए। क्या हो गए? सतर्क हो गए। जब अंग्रेज सरकार इस विद्रोह से सतर्क हो गए तो एक दिन जब वे बसिया थाना के कुम्हारी गांव में, जब एक दिन वे बसिया थाना के किस गांव में, तो कुम्हारी गांव में बसिया थाना के कुम्हारी गांव में सभा कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया था। तो चलिए इसे हम लोग मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिरफ्तार कर लिया गया था बसिया थाना के कुम्हारी गांव में, और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कलकत्ता के जेल में भेज दिया गया, मतलब वहाँ कलकत्ता के जेल में उन्हें डाल दिया गया। उसके पश्चात वे कई वर्षों तक जेल में रहे। हमारे तेलंगा खड़िया जी कई वर्षों तक जेल में रहे। 1859 ईस्वी में कुछ वर्षों के बाद, मतलब जब वे जेल में कुछ वर्ष बिताए, तब 1859 ईस्वी को, कब? 1859 ईस्वी को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तो फिर से अपने काम में जुट गए। तो उन्हें जेल से रिहा कब किया गया था? 1859 ईस्वी में जब रिहा किया गया तो वे अपने काम में जुट गए थे। तो किस काम में वे जुट गए थे? तो वे अंग्रेजों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार को समझाने के लिए जुट गए थे। वे लोगों को बताते थे कि अंग्रेज उन्हें कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तो वे कहाँ से प्रारंभ किए थे?
तो गुमला के गांव गांव, गुमला के गांव गांव में, गुमला के गांव गांव में वे घूम घूम के व्यक्तियों को, मतलब लोगों को, अंग्रेजों की शोषण नीति से पराजित कराते, अंग्रेजों की शोषण शोषण नीति से परिचित कराते और उन्हें तीर चलाना, क्या तीर चलाना, तीर चलाना, लाठी चलाना, लाठी लाठी चलाना या चलाने का प्रशिक्षण देते थे, प्रशिक्षण देते थे, यानी कि गुमला के गांव गांव घूम घूम के तेलंगा खड़िया जी तीर चलाना लाठी चलाना का प्रशिक्षण, इसका मतलब हुआ वे उन्हें शिक्षा देते थे तीर चलाना लाठी चलाने का, जिससे वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर सके, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास तरह तरह के बम गोले हथियार थे। तो हमारे भारत देश के झारखंड के वासियों के पास भी कुछ अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, जिससे कि वे विद्रोह कर सके, उनसे मुकाबले में टक्कर ले सके। इसलिए वे तलवार चलाना लाठी चलाना सिखाते थे, और जब सीख गए तो उन्होंने बताया कि अब आप अंग्रेजों से विद्रोह कर सकते, विद्रोह करने के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं। तो किसने बताया था ये? तेलंगा खड़िया जी। जब वे 23 अप्रैल 1980 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1980 ईस्वी को, जब वे 23 अप्रैल 1980 ईस्वी को सीसा स्थित, कहाँ पे? सीसा में, शीशे स्थित अखाड़े में, शीशे स्थित अखाड़े में सुबह सुबह जब वे प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, कहाँ पे? शीशे के अखाड़े में, अखाड़े में सुबह सुबह प्रशिक्षण करने के लिए, मतलब जैसे ये जो अखाड़ा था कहाँ पे? शीशे में, वहां पे प्रशिक्षण करने के लिए जब वे अपना सिर नीचे की ओर झुकाए तो उन्हें निकट के एक झाड़ी में छुपे, निकट के एक झाड़ी में छुपे। जब भी शीशे के अखाड़े में प्रशिक्षण का सिखाने के लिए सर नीचे किए थे, तो उसके निकट में झाड़ी था, कुछ झाड़ी थे उसमें छिपे, मतलब झाड़ी में छिपे बोधन सिंह ने
उन्हें वहीं से गोली से मार दी। किसने मारा थे? बोधन, बोधन सिंह ने उन्हें दूर से छिपे एक झाड़ी से गोली मार दी। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग कुछ उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और बातें जानेंगे। उसके बाद इनके शव को कहाँ ले जाया गया और कहाँ पे इन्हें अंतिम संस्कार किया गया। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे देखते हैं। तो तेलंगा खड़िया जी के शिष्य, मतलब जो खड़िया जाति के उनके शिष्य थे, उन्होंने उनके शव को कोयल नदी के पार, उनके शव को कोयल नदी गुमला के सोसो नीम टोली में एक टाड़ में दफना दिया गया। आज यह स्थान कौन सा स्थान? नीम टोली, कहाँ का? गुमला के सोसो के नीम टोली गांव को आज तेलंगा तोपा टाड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? तेलंगा तोपा टाड़ के नाम से जाना जाता है या विख्यात है। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि तेलंगा खड़िया जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1806 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अगर पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुमला में हुआ था। किस जिला में हुआ था? गुमला जिला में हुआ था। जिला में हुआ था? गुमला जिला में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उनका पिता का नाम क्या था, तो उनका पिता का नाम था धुइया खड़िया। उनका पिता का नाम था धुइया खड़िया। उनका माता का नाम था पेतो खड़िया। इनके जो पिता थे धुइया खड़िया, वे नागवंशी महाराज के भंडारी थे। किनके? नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। इनके पिता जो थे कौन? धुइया खड़िया, वे नागवंशी महाराज के भंडारी थे। उनका विवाह हुआ था 1800। अगर पूछा जाए कि
किसी भी एग्जाम में कि तेलंगा खड़िया का विवाह कब हुआ था, तो उनका विवाह हुआ था 1846 ईस्वी में हुआ था। किनके साथ हुआ था, अगर पूछा जाए कि उनका विवाह किनके साथ हुआ था, तो रतनी देवी, रतनी खड़िया के साथ हुआ था उनका विवाह। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगर पूछा जाए कि जो वे संगठन करते थे खड़िया जाति को, तो जो सभा का नाम क्या रखा जाता था, तो सभा का नाम रखा जाता था झूरी पंचायत। क्या रखा जाता था? झूरी पंचायत। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न कि कब उन्हें गोली मारा गया था। किन्हें? तेलंगा खड़िया जी को। अगर प्रश्न आए कि तेलंगा खड़िया जी को कब गोली मारा गया था, तो उन्हें गोली मारा गया था हमारा 23 अप्रैल 1880 ईस्वी में। तो उन्हें गोली किसने मारा, जैसे प्रश्न आ जाए कि तेलंगा खड़िया को गोली किसने मारा था, तो उन्हें गोली मारा था बोधन सिंह ने। वो धन सिंह मारा था गोली। कब मारा था? तो 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को। अगर प्रश्न आ जाए कि जिस स्थल पे तेलंगा खड़िया जी को दफनाया गया था, वह आज किस स्थल से, किस स्थल के नाम से विख्यात है, तो तोपा ताड़ के नाम से विख्यात है। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके स्क्रीन में एक मैसेज आ जाएगा कि चैनल का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों से यही मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के शेरों तक पहुँचाएँ। अब शेरों मतलब वो ने मत समझना, मतलब व्यक्तियों तक पहुँचाएँ। हमारे व्यक्ति भी भारत के एक शेर हैं, तभी आज हमारा भारत देश किसी का गुलाम नहीं है, किसी देश का। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।